आग से नाता। भाई साहब क्या था ये, मैंने अभी अभी ओशिनोको का फर्स्ट एपिसोड देखा है एंड जस्ट व्हेन आई थॉट आई हैव सीन द बेस्ट फर्स्ट एपिसोड ऑफ ऑल टाइम आई एक्चुअली गॉट टू सी द बेस्ट फर्स्ट एपिसोड ऑफ ऑल टाइम। तो ये एपिसोड 1 घंटे 22 मिनट का है एंड मुझे नहीं पता इसको एपिसोड क्यों बोल रहे हैं, मूवी क्यों नहीं घोषित कर देते। पर्सपेक्टिव के लिए अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 3 पार्ट 1 का एपिसोड 60 मिनट का था और उसमें करीब 3 एपिसोड जितना मटेरियल था और इसमें 4 एपिसोड जितना मटेरियल है। अब एक एब्सोल्यूट गोट एनिमे के 60 मिनट के एपिसोड को जिसके पीछे 4 सीजन्स की बैकिंग है उसको एक ही एपिसोड से तो बीट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऑन इट्स ओन इट इज एन एब्सोल्यूट गोल्ड एपिसोड। कैन यू इमेजिन हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट कैन बी क्रिएटेड विद दैट एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम, सही से यूटिलाइज किया जाए तो बहुत सारा, एंड इट फकिंग डस। तो मेरी ओशिनोको की सबसे पहली मेमोरी है उसका ट्रेलर। जब मैंने वो देखा था तो मेरा रिएक्शन ठीक ठाक ही रिएक्शन था। देखो मैं अपनी पर्सनैलिटी को एंटरटेनमेंट के लिए कैसा भी दिखाऊं लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो एनिमे क्यूटनेस पर सेल होते हैं वो मेरी मेमोरी से बहुत जल्दी फेड अवे हो जाते हैं क्योंकि उनकी वर्थ एक्चुअल स्टोरी में कम और क्यूट गर्ल्स में ज्यादा होती है। तो जो भी एनिमे क्यूटनेस ड्रिवन लगता है मेरा माइंड उसके लिए अपने आप ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। It is a red flag, a cheap trick to garner popularity. And दूसरा, even when they are good, वो मेरे natural taste में लाए नहीं करता है। For example, Bocchi the Rock was pretty good, लेकिन cute girls को नाचते, गाते, बजाते हुए देखना, is not something जिससे मुझे entertainment मिलता हो। Show imaginative है, Bocchi का introverted nature भी अच्छे से explored है, relatable है, show अच्छे से written and produced भी है, but फिर भी उसका general appeal मुझे appeal नहीं करता है। एंड सेम मैंने इसके लिए भी सोचा था कि ये भी एक और फील गुड सिंगिंग आइडल क्यूट गर्ल्स एंड मे बी डीजेनरेट एनिमे होगा, लेकिन इसने जो मुझे सरप्राइज किया है, जो ऊनो रिवर्स इसने मेरे साथ खेला है, ऐसा तो उसने भी नहीं खेला था। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। एनिमे का ट्रेलर और प्लॉट मेरे लिए बहुत ही डिसीविंग था। ट्रेलर फील गुड सा है और प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जापान की एक मशहूर आइडल आती है, वो भी उसका काफी बड़ा फैन है, अ ट्रू लोलिकॉन। आइडल साहिबा में कोई अपना सीड प्लांट करके चला गया है और वो माँ बनने वाली है एंड शी वॉन्ट्स टू कीप द चाइल्ड, एंड इतना सब ठीक है बट द ट्विस्ट इज डॉक्टर की अनटाइमली डेथ हो जाएगी एंड ही विल बी रीइंकार्नेटेड एज हर चाइल्ड। सुनने में इसे काय जैसा लग रहा होगा, मे बी समथिंग इन द लाइक्स ऑफ मुशोकु तेंसेई, लेकिन क्योंकि इसमें प्रोटैगनिस्ट किसी दूसरी जादुई दुनिया में नहीं जा रहा है तो इसको इसे काय में काउंट नहीं करेंगे, बट राइटिंग वाइज इट इज सो गुड, एक्चुअली वेरी क्लोज टू मुशोकु तेंसेई। तो ये शुरू इसी प्लॉट के साथ होता है, स्टार्टिंग में कुछ क्रेजी या डीप करने की कोशिश ये नहीं करता है, इट रिमेन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्मार्टली फनी। आफ्टर ऑल इट इज अ क्रिएशन ऑफ कागुया सामाज मांगा का, जो कि बहुत क्रिएटिव वर्क है, तो इसको फनी रहना आता है लेकिन कॉमेडी इसका मेन फोकस नहीं है। तो ये फटाफट अपना इनिशियल प्लॉट सेटअप करता है जितना मिनिमल एफर्ट हो सके उसके साथ एंड धीरे धीरे पेस पकड़ता है। हमको पैदा हुए दोनों ट्विंस का आपस में फनी इंटरेक्शन देखने मिलता है एंड आई थैंक गॉड एंड द राइटर कि उन्होंने मेन कैरेक्टर को एक परवर्टेड फ्रीक नहीं बनाया। आई एम सिक ऑफ इट, ठीक है, ही इज अ डिसेंट मैन, मेंटेन्स हिज डिग्निटी, बोले तो एकदम चैड पैसिव सा कैरेक्टर है। पिछली जिंदगी में वो बस एक बोरिंग डॉक्टर था और प्रोबेबली वो वैसे ही पूरी जिंदगी बिता देता अगर वो मर के यहाँ री इनकार्नेट नहीं हुआ होता, एंड री इनकार्नेशन होने के बाद भी उसके पास ऐसा कोई गोल नहीं है कि उसे सक्सेसफुल बनना है या एक्टर बनना है, ऑल्दो उसके पास अपॉर्चुनिटीज काफी है, लेकिन एपिसोड खत्म होते होते उसको फाइनली उसका पर्पस मिल जाता है एंड इट इज एक्चुअली द थिंग जो तुमको शो में पुल करती है, दैट पर्पस इज द एक्चुअल क्लिफहैंगर। ये शुरू तो हुआ था क्यूट गर्ल्स, शोबिज और रीइंकार्नेशन से, लेकिन एपिसोड का एंड आते आते इट, मैं बताऊंगा तो स्पॉइल हो जाएगा, बट इट एंटर्ड इनटू माय जोन ऑफ इंटरेस्ट, इट लिटरली चेंज्ड द एंटायर थीम एंड मोटिवेशन ऑफ द शो बाय द एंड ऑफ दिस फर्स्ट एक्ट। थैंक गॉड इन्होंने इस पूरे आर्क को एक एपिसोड बनाया है, अगर ये कन्वेंशनल 20-22 मिनट वाला एपिसोड होता तो प्रोबेबली मैं इसको फर्स्ट एपिसोड के बाद ही ड्रॉप करने का कंसिडर कर लेता। बहुत कम ही ऐसे शोज हैं जो फर्स्ट एक्ट के बाद अपना पूरा ड्राइविंग फोर्स किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ऐसा होते हुए देखा था, इट वॉज द बेस्ट रिवील ऑफ ऑल। नहीं, अटैक ऑन टाइटन की बात और नहीं करते हैं, वो इनकम्पेरेबल है, वो शो ये चीज कई बार पुल ऑफ कर चुका है, बट स्टिल जरा सोचो इसने इस शिफ्ट को इतना अच्छा पुल ऑफ किया है कि ये इस वक्त माय एनिमे लिस्ट पर नंबर 1 पोजीशन पर है डायरेक्टली विद इट्स फर्स्ट एपिसोड, धागा खोल दिया। इस ग्रैंड प्लॉट शिफ्टिंग, अच्छी कॉमेडी और ऐसे बच्चे जिनके पास कॉन्शियसली सोचने की शक्ति है, उनके सिनेरियोज एंटरटेनिंगली एक्सप्लोर करने के अलावा मैं 2 चीजें और पॉइंट आउट करना चाहूंगा। पहला है प्रोडक्शन वैल्यू, जो ऑल्दो उन बोरिंग सीन्स में स्टैंड आउट नहीं करता है, जो
एक्सेप्शनल एनिमेशन डिमांड नहीं करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग वाला प्लॉट सेटअप, वहाँ पर मिनिमल एनिमेशन रख के भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन जब बात आइडल की आती है, जिस तरह से उसको ड्रॉ किया गया है, इट इज सच आर्टिस्टिकली यूनिक, वहां पर सीरियसली बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया गया है। इवन कुछ सीन्स थे जिनमें एनिमेशन में पूरी तरह से जान फूंकती है, लाइक फाइटिंग लेवल, इट इज एक्चुअली मूवी लेवल प्रोडक्शन। दूसरा है फिलॉसफी एंड कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन ऑफ आई। मैं कोई भी एनिमे देखते हुए अच्छे कोट्स के स्क्रीनशॉट्स लेता रहता हूं, ताकि व्हेन आई लुक बैक तो मुझे पता हो कि क्या चीजों ने मुझे कितना हिट किया था। एंड ये एनिमे देखते हुए आई रियली सेव्ड अ लॉट ऑफ देम। आई को कभी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, कहने को कभी अपनी फैमिली नहीं मिली, इसलिए वो इन बच्चों को जन्म देना चाहती है एंड उन्हें पालना चाहती है, इवन विदाउट द फादर एंड इवन विद द रिस्क ऑफ हर करियर। एंड यहाँ तक फिर भी ठीक था, वो चाहे तो इतना भी कैरेक्टर एक्सप्लोर कर छोड़ सकते थे। ये एक जेनेरिक शो बन जाता जो पॉपुलर हो जाता, रेटिंग भी ठीक ठाक मिल जाती एंड पैसे भी अच्छे कमा लेता। लेकिन फिर मैं इसके बारे में इतना हाईली बात नहीं कर रहा होता। दे टुक इट अ स्टेप फर्दर। आई को कभी प्यार नहीं मिला तो उसे प्यार की समझ नहीं है, उसको नहीं पता कि कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे फील करना है। इवन उसने कभी अपने बच्चों को भी क्लियरली आई लव यू नहीं बोला। वो उनसे प्यार करती है, लेकिन शी इज नॉट श्योर कि जितना वो करती है क्या वो सही अमाउंट है या नॉर्मल से कुछ अलग है। वो क्लियरली अपने प्यार को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने से कतराती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि जो वो बोलेगी क्या वो एक्चुअली मीन भी करती है या वो भी बस एक और झूठ है जैसा कि उसने दूसरों को प्लीज करने के लिए सीखा है। उसका पूरा शोबिज करियर झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। कैसे मुस्कुराना है, कैसे नाचना है, कौन से एंगल से सुंदर दिखना है, कैसे वो शब्द बोलने हैं जिनको सुनकर लोग खुश हों, और इन झूठों के बीच उसकी खुद की सच्चाई कहीं खो गई है। उसने सब कुछ इतना परफेक्टली फैब्रिकेट कर लिया है कि उसे नहीं पता कि अब उसके खुद के लिए सच क्या है। और ये चीज इतने अच्छे से डिलीवर हुई है कि पूरे एपिसोड का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। इट वेंट स्ट्रेट राइट थ्रू हियर। कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं चीजें सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बोल देता हूँ या उन्हें एक्चुअली मीन भी करता हूँ। आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, लेकिन जो झूठ हम खुद को बोलते हैं, क्या हम उसे सच्चाई से डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी रखते हैं? सोचने वाली बात है। इमोशनली, एंटरटेनमेंट वाइज एंड स्टोरी में इमेंस इंटरेस्ट क्रिएट करने वाइज इसने सब कुछ 10/10 किया है। दिस एक्चुअली हैज द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द वेरी बेस्ट दिस सीजन और मे बी दिस होल ईयर। तो अगर तुमने नहीं देखा है तो तुरंत चेकआउट करो, और देखा है तो कमेंट्स में बताओ तुमको कैसा लगा। फिलहाल मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।